खुद भी लोगों से मैंने बात की थी, महिलाओं से भी बात की थी, लेकिन अकेला वो फैक्टर नहीं है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है और मोदी की जो गारंटी है, वो सब मिला के ये उछाल जो 8% का करीब पहुंचता है, बढ़ गया है जो, वो सब मिला के है। लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर निश्चित रूप से लाडली बहना योजना का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टीएस सिंह देव हार गए हैं अपनी बिल्कुल, सीट बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है अंशिका, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर कांग्रेस जी, छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है, बहुत बड़ी खबर। मोहम्मद अकबर भी हार के करीब है, डिप्टी सीएम टीएस बाबा, बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये झटका कांग्रेस को लगा है। भूपेश सरकार के 8 मंत्री हार गए हैं छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर, बीजेपी ने पहुंचा दिया है कांग्रेस को, बहुत बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार चुके हैं अपना, मोहम्मद अकबर भी हार के करीब है। मोहम्मद अकबर समेत, टीएस सिंहदेव समेत वो सभी बड़े चेहरे यहां नजर आ रहे हैं। मोहन मरकाम भी चुनाव हार गए हैं, और जिस तरह से अमरजीत भगत का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो इससे जाहिर हो गया कि यहां पर एक बड़ा और बहुत बड़ा जो अंतर जो है वो देखने को मिला, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के वो बड़े चेहरे, वो 8 मंत्री जब चुनाव हारे, जिसमें मोहम्मद अकबर का भी नाम शामिल है, जो कि लगातार बहुत बड़े दावे वो करते नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो घटनाक्रम, जिस तरह से उनका नाम सामने आया, हालांकि क्या कारण उसमें वो भी रहेगा, ये भी देखने का विषय होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल सरकार के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। संजय राणा लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी एग्जिट पोल में, जहां पर ये सभी आश्वस्त थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी, क्योंकि भूपेश बघेल को लेकर जिस तरह से सभी बातें हो रही थी कि उनका काम बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत स्वीकार उन्हें किया है, लेकिन ये क्या हुआ आखिर, 8-8 मंत्री चुनाव हार गए छत्तीसगढ़ में, 36 सीटें सिर्फ। देखिए, लगता है कि जितने भी चुनाव के गणतज्ञ होते हैं, जो उनका सारा समीकरण लगता है इस समय फेल हो गया, उसमें से मैं भी एक अपने आप को बोलूंगा कि हम लोग भी सोच रहे थे कि इमरती देवी पूर्व मंत्री इमरती देवी भी चुनाव हार चुकी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डबरा से चुनाव हारी हैं इमरती देवी, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री इमरती देवी चुनाव हारी हैं। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, सिंधिया कट्टर सिंधिया समर्थक वो कहलाती हैं, लेकिन चुनाव हार गई हैं इमरती देवी। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर सिमट चुकी है कांग्रेस। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो नो डाउट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उसके विपरीत आए हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण दो मुझे नजर आता है। एक तो देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था, या किसी को पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था, वहां पे पूरी जो चुनाव का कमान था वो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले रखी थी, और दूसरा था उनका आदिवासी। देखिए, जिस तरह से एक एक मूव को, एक एक स्टेप को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इंप्लीमेंट लिया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, जहां पे आप देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट, उनको भी एक तरह से एक चुनाव तो नहीं करा सकते, लेकिन उनकी सभाएं दूसरे ढंग से करा करके कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ, जो वोटर है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जो जब आदमी वोट देता है तो 2-3 चीजें बहुत ध्यान से सोचता है कि भाई जो वादा करने वाली पार्टी है वो काम करती है कि नहीं काम करती, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, और प्रधानमंत्री ने जगह कोई बोला है बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने किया है, अगर वो आदिवासियों के लिए बोलते हैं तो आदिवासियों के लिए किया है। देखिए, आदिवासियों का सम्मान योजना हो, अभी 15 तारीख को आपने देखा होगा आदिवासी नरसिंह मुंडा के लिए जाके उनको श्रद्धांजलि एक तरह से दिया, तो ये सम्मान कभी भी अपने देश में मैंने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा, तो इस तरह का अगर आप सम्मान करते हो तो कहीं ना कहीं जो जाति से जुड़े हुए लोग, यहां पर बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को ओबीसी वोटर्स से, क्या कहेंगे संतोष जी, उम्मीद थी ना
पूरी तरह से उम्मीद थी, हमें तो उम्मीद थी कि हम 140 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत आए हैं। तो हर पहलू की जांच होगी और निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग ने भी हमारा पिछली बार साथ दिया था, 2018 में हम जीते थे। और जिन शिवराज सिंह के चेहरे पर इतनी बात हो रही है, यही शिवराज सिंह चौहान का चेहरा 2018 में खारिज हो चुका था, लेकिन धोखे से सरकार बनी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आज पास हुए हैं। अच्छा, हर बात पे कह रहे हैं हम बात करेंगे, हम मंथन करेंगे, हम जाएंगे, हम जानेंगे कि हमारी कमियां क्या थी। एक सवाल मेरा गठबंधन को लेकर, इसमें तो आप नहीं बोलेंगे ना कि हम जाकर बात करेंगे। गठबंधन में जिस तरीके की दरारें मध्य प्रदेश में देखने को मिली, इंडी अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब ये छोटी छोटी बातों को इस तरीके से हाईलाइट करना मैं नहीं समझता हूँ। वो एक सामान्य बातचीत का मामला था और निश्चित रूप से उसमें अखिलेश जी ने भी उतनी बात नहीं करी। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी, तो उधर बिहार से नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं, ममता बनर्जी आपके साथ आ जाती है, हर कोई मंच पर माहौल बना देता है। लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हैसियत नहीं कांग्रेस की हमारे सामने खड़े होने की। मध्य प्रदेश की जहां तक स्थिति है, मध्य प्रदेश में दो दलों का हमेशा से चलता है वर्चस्व, और निश्चित रूप से जहां पर जिसकी जितनी उपस्थिति होगी उतना ही उसको वो मिलेगी। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक बड़ी खबर, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी हार गए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, मोहम्मद अकबर भी हार के करीब है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश सरकार के 8 मंत्री, बिल्कुल 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 अंशिका, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को 36 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हालात कर दिए हैं, अप्रत्याशित जीत, प्रचंड जीत। गृह मंत्री अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी वो वहां पर काम आई। हमने लगातार देखा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे किए, बार बार छत्तीसगढ़ गए, वो रणनीतियां बनाई, और उन्हीं रणनीतियों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर सिमट गई है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 64 सीटों पर बीजेपी। रमाकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जो ड्रास्टिक बदलाव आया है, इसके बारे में आकलन करना भी बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी का आगे का क्या प्लान है रमाकांत जी? निश्चित तौर पे हम लोग संगठन पे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, इस चुनाव में परिणाम आता हम ये समझ रहे हैं। अगर हम 230 सीटों पे लड़ते तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी विधानसभा पहुंचती, बिल्कुल पहुंचती। अच्छा, तो ये भी आरोप आप पर लगते हैं कि आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते, लोग छटक कर कहीं और चले जाते हैं? देखिए गरिमा जी, इस प्रकार से आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ना कोई विधायक ना कोई सांसद बिक के, डर के, टूट के भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है, ये सच्चाई है। ठीक है, अब मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी मेरा एक सवाल रहेगा। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, ऐसा बहुत राजनीतिक दलों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने खाली वोट काटने का काम किया? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, 10 साल पहले भी चुनाव लड़ी थी, 2014 में भी लड़ी थी, और नोटा से कम उनको वोट मिला था, और इस बार मुझे पता नहीं कितना वोट मिला है। ये देखना जरूरी होगा कि उनको नोटा से ज्यादा वोट मिला है या कम मिला है, क्योंकि उनकी उपस्थिति अभी जमीनी स्तर पर नहीं है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश दो ध्रुवीय राजनीति में रहा है, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो मध्य प्रदेश में कभी 11% तक होता था और बिंदु में हम नतीजा अलग देखते थे। इस बार उसका वोट प्रतिशत भी बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत नीचे चला गया है, और समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें जीत जाती है या कांग्रेस के बागी कभी जीत जाते, एक बार 5 भी जीत गए थे विधानसभा में, लेकिन उसका भी जनाधार नहीं बन पाया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, ढोल नगाड़ों की आवाज अगर सुमित आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सीधे से हम दिखा भी रहे हैं तमाम दर्शकों को, तमाम चर्चा लगातार जारी है। आशीष, बिल्कुल अंशिका, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन पा रहे होंगे, जो बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, और चूंकि ढोल नगाड़े और मिठाइयों का दौर, पटाखों का दौर, और जैसा कि ढोल नगाड़े और पटाखों से मुझे याद आ रहा है कि 3 दिवाली मनाने की बात उन्होंने कही थी। और इस बीच अंशिका एक बड़ी खबर आ रही है हुजूर से, रामेश्वर शर्मा की जीत हुई है, 97,910 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की प्रचंड जीत हुई है, कृष्णा गौर जो कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर की बहू है, और 1,07,000 वोट से वो जीती है। और यहाँ गोविंदपुरा की अगर बात करें तो गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की प्रचंड जीत हुई है,
हुजूर से रामेश्वर शर्मा की बम पर जीत हुई है। तो बड़े चेहरों को भले ही जनता ने नकारा है, लेकिन जो उनके पारंपरिक चेहरे हैं संजय राणा साहब, उन पर जनता भरोसा जता रही है प्रचंड जीत से। मुझे याद आ रहा है क्योंकि अभी जो आज शाम को शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ कृष्णा गौर मौजूद थी, तो ये दोनों परिवार की जो नजदीकियां लंबे समय से थी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर का मुझे चेहरा याद आता है इस समय पर, हाँ। जो कि पार्टी के हमेशा जीत की कामना करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, कृष्णा गौर को उसी का फल मिल रहा है या उनकी खुद की भी इसमें मेहनत, आप देखते हैं। लगातार आप अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर क्या हलचल है। शिवम, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर सिलसिलेवार तरीके से क्षेत्रों की बात करें, अलग अलग रेंजेस की, तो महाकौशल का जो इलाका था वहां पर उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 47 सीट में बीजेपी ने ताबड़तोड़ सीटें जीती और कांग्रेस के आधे से ज्यादा सीटें खत्म हो गई। देखिए, महाकौशल बेल्ट में बहुत हद तक आदिवासी सीटें कई सारी थी। आदिवासी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे पेशा कानून के माध्यम से हो, उनके अतीत को सम्मान देने के लिए रानी कमलापति, भगवान बिरसा मुंडा, टांट्या मामा, नाना शाह, रघुनाथ शाह, इस प्रकार के जितने भी आदिवासी प्रतीक हैं जो राष्ट्र नायक हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की बात हो। जहां कांग्रेस पार्टी एक और मुगलों और आक्रांताओं को ही ग्लोरीफाई करने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम लोगों को इतिहास में इनका उचित स्थान देने का काम किया। साथ ही साथ आदिवासी वर्ग के भविष्य की दिशा में बेहतरी के लिए हमने देखा कि आदिवासी, तो आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यहाँ पर अप्लाई की है, और देखिए इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज भी नजर आया। संजय राणा जी भी जुड़े हुए। संजय राणा जी, कांग्रेस के हारने के कुछ फैक्टर्स बताइए, किस पर काम नहीं कर पाई। जो मेरा आकलन है, क्या ये सही है कि कमजोर संगठन भी एक बड़ी वजह है? ओबीसी वोटर्स के पीछे पड़ी थी कांग्रेस, सनातन के विरोध में, सनातन को लेकर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे, फिर गठबंधन में जिस तरीके से यहाँ पर दरार देखने को मिली मध्य प्रदेश में, क्या ये वही फैक्टर है जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, आप उनका जो आकलन है बिल्कुल सही है। देखिए, जब कांग्रेस की बात करते हैं तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। एक व्यक्ति पिछले 18 साल से राज कर रहा है, उसके विरुद्ध अगर नैरेटिव सेट नहीं कर पाते तो समझ लीजिए उनकी स्ट्रेटजी में कितनी खामियां होंगी, आप उसका अंदाजा लगा सकती हैं। जहां तक बात आती है कि वहां का संगठन, देखिए कांग्रेस पार्टी का संगठन, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हम कहते हैं मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में थोड़ा ठीक ठाक है और राजस्थान में ठीक ठाक है, लेकिन संगठन जब मजबूत नहीं होगा तो आखिरी पायदान तक आप पहुँच नहीं पाते हो। जब पायदान तक पहुँच नहीं पाते तो अपने लोगों को समझा नहीं पाते हो और वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो संगठन उनका बहुत बिगड़ चुका है। हर आदमी एयर कंडीशन का नेता है और ट्विटर का नेता रह गया। नेता जो होता ना, जिसके जिसके पीछे भीड़ चलती है, एक स्तर तक बयान, एक लेवल तक बयान दिए जाते हैं जी। सनातन को लेकर चुनाव के ठीक पहले सनातन को एड्स कहना, मलेरिया कहना, डेंगू कहना। देखिए जितने लोगों ने भी बयानबाजी की है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, तो देखिए कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी है और लोगों ने वोट के ताकत के द्वारा ही दर्शा दिया है कि भाई अगर हमारे धर्म का अपमान, हमारी आस्था का अपमान करोगे तो तुम्हारे साथ ये काम किया जाएगा। देखिए ऐसा होता ना कि बहुत सारी कमियां हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसपे इनको चिंतन करना चाहिए। अभी हमारे मित्र आपके जो खड़े हैं बगल में कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बोले थे हम सोचेंगे। अरे भाई, आप 22 साल से सोच ही नहीं पा रहे हो कि उनको कैसे हटाना है, और वो पार्टी 20 साल से राज कर रही है और आने वाले 5 साल तक और राज करेगी, तो आप तो खत्म ही हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पार्टियों के लिए कि समझना कि इनकी गलतियां क्या है। संजय राणा जी कह रहे, संतोष जी एक सेकंड सुन लीजिए सवाल, संतोष जी, संजय राणा जी कह रहे हैं कि 22 साल से क्या आकलन नहीं कर पाए, जो अब फिर सोचना पड़ेगा, अब आपको सोचना है कि क्या हुआ, कहां कमी रह गई, अब समझ गए हैं कि कमी कहां रही। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि आज हमारी पराजय हुई तो हम और क्या कहेंगे, हम मंथन करेंगे निश्चित रूप से। और अब इसके पहले कि हमारी जीते नहीं होती रही, 2018 में हम जीते थे ये नहीं भूलना चाहिए। तो निश्चित रूप से बार बार ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी रणनीतिकार, मदद लिए थे दूसरों से, बिल्कुल कोई मदद नहीं, 114 और 116 में कोई अंतर नहीं था, निर्दलीय और हमारे साथी थे वो, और सरकार बनी थी हमारी। देखिए, लोकतंत्र में हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है वो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से चलता है। स्वाभाविक तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार में आना है तो कम से कम 116 सीटें प्राथमिक रूप से जीतनी चाहिए। तो जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें सपा का समर्थन था, बसपा का समर्थन था, निर्दलीयों का समर्थन था, वहीं जब इनके विधायक छोड़कर के